डॉक्सी वन एल डॉक्टर फोर्ट कैप्सूल्स, ये कैप्सूल्स है जो कि बनाए जाता है यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 एमजी लेते हैं और लैक्टोबैसिलियस 5 बिलियन स्पोरियस रहते हैं, जो कि डॉक्सी वन एल डी आर फोर्ट कैप्सूल्स के नाम से जानी जाती है। 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 95.25 रुपीज़ रहता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होने वाली ये कैप्सूल्स है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि डॉक्सी वन एल डी आर फोर्ट कैप्सूल्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। डॉक्सी वन एल डी आर फोर्ट कैप्सूल जो कि यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 एम जी रहता है और लैक्टोबैसिलियस इसके अंदर 5 बिलियन स्पोरियस रहते हैं, और ये 95 रुपीज़ का पूरा 10 कैप्सूल्स का स्ट्रिप रहता है, जो कि क्या करता है कि इसके अंदर दो दवाई डाली गई है जो कि प्रिवेंट करते हैं बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ये हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे क्या होता है डायरिया का कम चांसेस होता है और वहाँ पर ही उसका इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो ये कैप्सूल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होने वाली कैप्सूल्स है। अगर आप इस कैप्सूल को ज़्यादा ले रहे हो, फिजिशियंस की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूअसली लिए जा रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द और ये फोटोसिंथेसिस वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, इस कैप्सूल को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले, और फिक्स डोज और फिक्स टाइम रखें ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो डॉक्सी वन एल डी आर फोर्ट कैप्सूल्स काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टोबैसिलियस। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है और उसको बैक्टीरिया को जो जीने के लिए सर्वाइव करने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता है तो वो प्रोटीन नहीं मिलने देता, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है। लैक्टोबैसिलियस एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि रीस्टोर होकर रहता है और गुड बैक्टीरिया के साथ, जिससे क्या होता है कि पेट में एंटीबायोटिक बन के रखता है, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता नहीं है, तो ऐसे काम करता है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।